Hey, welcome again. So today we are going to learn and translate the lesson to Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Yeah, it is written by Nelson Mandela itself. And this story gives us a lot of knowledge. There are some political aspects and there are some great knowledge that we should know, that we can say historical one. So today we are learning that, and this story has been taken by Nelson Mandela's diary, right? So we just start in starting. It has written start mein likha hua hai, before read apartheid. यहाँ पे प्रोनंसिएशन जो मैंने देखा है, जो राइट प्रोनंसिएशन है, अपार्टेट, अपार्टेट. सो अपार्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जो कि जात के बिहाव पे लोगों को बांटती है. दैट इज कॉल्ड अपार्टेट. ए टेक्निकल वर्ड, एग्जाम में भी आ सकता है. अपार्टेट एक वर्ड है जो इसकी स्टार्ट, इसी पे पूरा डिपेंड है स्टोरी. अपार्टेट का मतलब होता है जात के बिहाव पे पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग को विभाजित करती है, जो कि अफ्रीका में ज़्यादा होता है. वहाँ पे लोगों को ब्लैक और गोरे और काले के बिहाव पे बांटा जाता है, ब्लैक एंड वाइट के बिहाव पे, ठीक है. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरियन ओकेजन. ये जो एक्सट्रैक्ट यानी कि ये जो पद लिया गया है, जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ से लिया गया है, उनके नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद ही लोग अपने बारे में लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. उससे लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है उसके, उससे एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इस पद को लिया गया है. एंड नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरियन ओकेजन, जिसमें नेल्सन मंडेला एक हिस्टोरियन ओकेजन पे बात कर रहे हैं, हिस्टोरियन ओकेजन के बारे में बात कर रहे हैं. एक ऐसा मौका जो हिस्ट्री में नाम कर गई थी, हिस्ट्री में इसको अभी भी जाना जाता है. उस समय इन्होंने कुछ बोला था, द इनोग्रेशन. इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है, ठीक है. द इनोग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि ओकेजन है क्या, किस ओकेजन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है. आगे कहते हैं, चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी, फ्रॉम द बीबीसी ऑन 10th March 1994 टेंथ मार्च में इसको बीबीसी द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था. उसमें क्या बोला गया था, इसमें लिखा हुआ है, मैं लाइन बाय लाइन बोलना चाहूँगा, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. मंडेला पहला बार अफ्रीका का प्रेसिडेंट बने जो कि ब्लैक थे, ब्लैक रेस से बिलोंग करते थे. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स. 3 सेंचुरी, 3 शताब्दी से वहाँ पे वाइट पीपल का रूल था. वहाँ पे जो शासन था हमेशा वाइट लोग के द्वारा किया जाता था. कोई भी ब्लैक पर्सन का विन नहीं हुआ था, विजय नहीं हुए थे और सत्ता में नहीं थे. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 3 शताब्दी के बाद, जबकि एक ओकेजन आया जब नेल्सन मंडेला ने जीता है ब्लैक रेस से, ब्लैक जाति से. मिस्टर मंडेला जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. ए ब्रॉडकास्ट हुआ था न्यूज जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि जो नेल्सन मंडेला हैं 400 सीट में 252 सीट से ए जीते, ठीक है. ए लोकतंत्र के इलेक्शन जो हुआ था वहाँ पर, उसमें द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. ओके, एमपी थिएटर क्या है? एमपी थिएटर एक तरह का थिएटर है, मतलब एक तरह की जगह है जो बना हुआ है अस्टोन यानी कि आप कह सकते हैं कि सैंड स्टोन से बना हुआ है, बलुई मिट्टी से बना हुआ है, बलुई पत्थर से बना हुआ है. उसमें ऊपर छत नहीं है, केवल आप लेके चलो कि बाउंड्री इस तरह का है, और उसके नीचे रो बनी हुई जिस पर लोग बैठते हैं, ठीक है. उसको एमपी थिएटर कहा जाता है. मैं कुछ वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा हूँ जिसको कि मैं बताऊँगा
साथ साथ में कुछ ऐसा लगे कि इस तरह का वर्ड मीनिंग है तो बताता चलूँगा। ठीक है, वहाँ पे एमपी थिएटर में आज अकेजन है, सेरेमनी है इनोग्रेशन का। ठीक है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि अटेंड किया गया था, 140 कंट्री के अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्री के लोग आए थे, गणमान्य लोग आए थे। देखो यहाँ पे एक वोकेबलरी है, डिग्नेटेरियन। डिग्नेटेरियन मतलब होता है गणमान्य लोग। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हीज एड्रेस। सो एड्रेस कर रहे थे, यानी कि स्पीच दे रहे थे, स्पीच डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने उसी स्पीच डिलीवर करने के साथ बोला, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। इस धरती पे अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई अत्याचार किया जाएगा, किसी के द्वारा किसी पे अत्याचार किया जाएगा। ऑपरेशन में अत्याचार करना। जुबलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेट्रोनिया फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय। बहुत ही ललायत, बहुत ही सुंदर वहाँ का सीन था। और उस जो पेट्रोटिया पेट्रोटिया जगह का नाम है, उस स्ट्रीट की बात किया जा रहा है जहाँ पे सेरेमनी हो रहा है, और वहाँ पे करीब लाखों साउथ अफ्रीकन आए हैं, और अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं, और वहाँ पे जो अफ्रीकन वैन वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो अपने सैंग अपने गाना गा रहे हैं, अपने धुन में, अपने लैंग्वेज में, और डांस कर रहे हैं, जॉय के साथ झूम रहे हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक टाइम रहा था। 300 साल बाद ऐसा हुआ था कि कोई ब्लैक बंदा एज ए प्रेसिडेंट जीता, और उसके बाद इनोग्रेशन था। इनोग्रेशन किस था, उसका उद्घाटन कर रहा था, उसका जीत का, वहाँ से उसकी जर्नी शुरू, जैसे वोट लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो सारे हो रहा था, इसी को इनोग्रेशन किया कहा जा रहा है यहाँ पे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitarian and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ठीक है, वो बताते हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत शानदार है, क्लीन है, और मे है, मंथ मे की बात चल रही है। करें पिछले काफ़ी दिनों से उनको काफ़ी ऐसे गणमान्य लोग के द्वारा, अच्छे लीडर्स के द्वारा, ठीक है, सराउंड किया गया, यानी काफ़ी लोग उनको मिल रहे हैं और उनसे बातें हो रही है, कमिंग टू देयर रिस्पेक्ट। हाँ, और काफ़ी लोग आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ, और ये जो सेरेमनी हो रहा है उसके रिगार्डिंग उनको वो दे ऑनर दे रहे हैं, और उनको धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू दे रहे हैं, ऐसा ही बताया जा रहा है। राइट, द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। ए साउथ अफ्रीका की भूमि पे, सोयल मतलब भूमि होता है, SYL धरती, साउथ अफ्रीका की धरती पर पहला बार ऐसा हो रहा है, और ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। ठीक है, इतना बड़ा गैदरिंग और इस तरह की इनोग्रेशन, इस तरह के उद्घाटन। शुरुआती सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन्स एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोटिया। ठीक है, ये जो सेरेमनी कहाँ पे हो रहा है, एम्पी थिएटर में हो रहा है। एम्पी थिएटर कहाँ पे है, ये है बिल्डिंग सैंड स्टोन से बना हुआ है, प्रेटोरिया में है। ठीक है, सैंड स्टोन जो बलुई पत्थर बताया उससे बना हुआ है। फॉर डिकेट्स ही हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नन रेशियल गवर्नमेंट। बताया, सालों साल से, सदियों सदियों से जो जगह है ये वाइट लोगों के द्वारा बैठा जाता था, उनके द्वारा अधिपत्य था, शासनकाल किया जाता था। आज पहला बार ऐसा हो रहा है जबकि रेनबो मतलब
यहाँ पर रेनबो का मतलब कहा जा रहा है, जो लोग हैं कलरफुल, यहाँ पर लोग हैं हर एक कलर के लोग बैठे हुए हैं, लाखों कलर लोग बैठे हुए हैं। पहला बार इस एमपी थिएटर में ऐसा ओकेजन हुआ है जहाँ पे ऐसे उद्घाटन हो रही है और इस तरह के लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ एशिया फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अपने आप को ये कह रहे हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट है कि पहला बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट के रूप में हम यहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई जात पात का कोई धर्म का बातें नहीं होगा, ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगा। इस गवर्नमेंट में हर एक को समान भेदभाव से देखा जाएगा, समान तरीके से उनके साथ रूल किया जाएगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई मैनी बाई माई डाउटर जेनानी, बता रहे हैं कि जो ऑटम का डे था, शरद का टाइम था, उस समय उनके साथ उनके डाउटर भी थी, उनकी पुत्री भी थी, जिसका नाम जेनानी है, जेनानी था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच होता है, रंगमंच, ठीक है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोर्न इन एज सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट, जो पहला शपथ ग्रहण वहाँ पे लिए वो कौन थे, डी क्लर्क थे, जिन्होंने कि फर्स्ट शोर्न, हाँ, जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, शपथ ग्रहण किए। देन थैबो बेकी वॉज ओर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद जो थैमो थे उन्होंने शपथ ग्रहण किया एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जब मेरा टाइम आया शपथ ग्रहण लेने का, तो मैंने शपथ ग्रहण लेते हुए ये वचन दिया कि मैं हर एक विधि विधान को तरीके से फॉलो करूंगा, हर एक रूल को मानूंगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने आप को डिवोट करूंगा, मैं सेक्रीफाइस करूंगा और इसको इस तरह बनाए रखूंगा, इस तरह बचाए रखूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नियंत्रित हो, सब कुछ सही सही हो। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, उन्होंने ऐसा बोला जो लोग वहाँ बैठे हुए थे और जो अटेंड कर रहे थे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, ठीक है। उन्होंने बताया कि हम लोग का प्रेजेंस आज इतिहास का गवाह बनने जा रहा है, इतिहास का गवाह रहेगा, विटनेस रहेगा कि ये जो आज की जो इनोग्रेशन होगी और ये जो लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसा पॉलिटिक्स रहेगा, एक ऐसा और रहेगा कि इसमें टुडे बीन गिवन रेस्ट प्रिविलेज, हाँ, कि यहाँ पे जो प्रिविलेज दिया जाएगा सबके लिए समान अधिकार होगा, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, सबके लिए नॉर्मल होगा, ये सबके लिए प्रिविलेज होगा स्वतंत्रता का। प्रिविलेज टू आर लिबरेट, सॉरी नहीं, नो नो नो, वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इन आउटला प्रिविलेज, सॉरी, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सॉरी है ऊपर नीचे हो गया था, देख नहीं पाया था, एनीवे, सो बता रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत सालों सालों का, असाधारण तरीके का, जो आपदाओं को झेला है लोगों ने, जो कष्ट पीड़ा को उठाया है, ठीक है, बहुत सालों से, अब यहाँ पे एक नई सोसाइटी का जन्म होगा, एक नई ह्यूमन का जन्म होगा और इस तरह से उस पर हम लोग प्राउड होंगे, प्राउड फील करेंगे। वी हुअर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बीन गिवेन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सोयल, आज बहुत सालों के बाद, बहुत सालों से जकड़ में हम थे और ऐसी उत्पीड़न थे जहाँ पे कि हमें प्रिविलेज नहीं थी, यहाँ जात के नाम पे चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था, आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, ऐसा शायद ही पहले कभी प्रिविलेज हम लोग को मिला था कि इस तरह की पार्टी को अपने धरती पे सुनियोजित करें और आयोजित करें।
वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू द टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और थैंक्स कर रहे हैं वो सारे लोग का जो अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, जिन्होंने अपना स्थान लिया है, वहाँ बैठा है उन अफ्रीकनों के बीच में, ठीक है, जो कि आज एक सबसे बड़ा इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं, और एक ऐसा विक्ट्री, एक ऐसा कॉमन विजय का, ऐसा जस्टिस का जो कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए प्रिविलेज प्रदान करेगी, ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक साक्ष्य रहेगी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है, इमेंसिपेशन, वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी डिप्राइवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बताते हैं कि वी हैव एट लास्ट यानी अंत में हम उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि हमें जो रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, हमें जो रिस्ट्रिक्शन था, हमें जो बंधन था और जो हमें बनाए रखा था, जो हमारी बंधन था स्वतंत्रता को लेकर, जो लोग पॉवर्टी, गरीबी के शिकार थे, जो लोग भूख के शिकार थे और जो सफ़र की बहुत तकलीफ़ झेला लोगों ने, ठीक है, जिनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, ठीक है, आज हम उस चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं, यानी कि इसको हम रिमूव करने जा रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। आज के बाद ऐसा कभी भी इस धरती पर नहीं होगा कि एक दूसरे के द्वारा दूसरे को पीड़ा दिया जाएगा, एक दूसरे को संताप दिया जाएगा, परेशानी किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो लाइन है, लाइन थोड़ा सा उल्टा है, मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, राइट। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया इस ग्लोरी के लिए और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जिसके बिहा पे अचीवमेंट मिला है, और दैट शैल कंट्री नेवर फेस सच, और आज के बाद एक कंट्री में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम को फेस नहीं किया जाए, कभी भी इस तरह की संताप, कभी भी इस तरह की परेशानी, प्रॉब्लम को फेस नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत सारे लोग को लाइफ को सेक्रीफाइस देने के बाद ये चीज़ मिली है हमें। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रीन मतलब होता है शासन करना, अब आज़ादी की शासन होगा यहाँ पे। भगवान इस अफ्रीका को धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें, राइट। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आईज इन एव एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरी रोअर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, बताया कि अभी थोड़ा सा पहले ही हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो जेट थे, जो हेलीकॉप्टर थे, जो कि सलामी दी, आकाश में उड़े, उनकी जो रोअर थी, गर्जन थी, हमने सुना, हम उसका साक्ष्य बने इस बिल्डिंग के ऊपर जो हुई। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये पिन पॉइंट केवल नहीं था हमारा, पिन पॉइंट मतलब कमी होता है, हमारे जो आर्मी है, हमारी जो चीज़ें, उसका पिन पॉइंट नहीं था, कमजोरी नहीं था हमारे मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट एक तरह के डेमोन्स्ट्रेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था, हमारे मिलिट्री अपने कर्तव्य दिखा रहे थे, पावर दिखा रहे थे, लॉयल्टी की, हम कितना लॉयल हैं, हम कितना वफादार हैं अपने इस डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक नया गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जिस जो सत्ता में आई है, ठीक है, उसके लिए, जो शासन काल में आई है, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से।
ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ट विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। अभी हम लोगों ने देखा, हम इसके साक्ष बने कि जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स थे और पुलिस थे, जिनके कि यहाँ पे जो मेडल लगे हुए थे वो सजे हुए थे उनके चेस्ट मेडल द्वारा, रिबन द्वारा, ठीक है, और उन्होंने सैल्यूट किया और प्लेज किया अपनी लॉयल्टी का, ठीक है, कि हम किस तरह से इस देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल मतलब कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ। सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि यही बात कुछ साल पहले हुई थी, जो कि सैल्यूट करने के जगह पे हमें अरेस्ट करते थे। फाइनली चेवरन, चेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेट ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। ठीक है, ये जो जेट टूटा था, जेट टूटती उससे भी धुआं निकलती है, उस धुएं के कलर की बात कर रहे हैं कि जब निकली तो एक अच्छे सुसज्जित तरीके से जो झंडे के ध्वज की कलर होती है उस तरह के स्मोक छोड़ती हुई गई। कौन कौन सा कलर का था? रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड टू द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। साउथ अफ्रीका फ्लैग के सम्मान में इन्होंने ऐसा किया जब जेट फ्लाइट उड़ाया उन्होंने। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग्स एनकोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई अस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, बताते हैं कि एक सिम्बोलिक था, एक सिम्बोलाइज था हमारे लिए, जो कि लोग यहाँ पे जो थे वो दो नेशनल एंथम गाया जा रहा था। नेशनल एंथम दो गाए जा रहे थे, एक गाया जा रहा था निकोसी सिकेलेट और एक गाया जा रहा था आई अफ्रीका, जो कि ब्लैक लोग गा रहे थे और वाइट लोग गा रहे थे, दोनों मिलकर गा रहे थे अपने अपने। वाइट लोग गा रहे थे निकोसी सिकेलेट और ब्लैक गा रहे थे आई अफ्रीकन। एक गाया जा रहा था एंथम वहाँ के लोकतंत्र के द्वारा। ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स दे वंस डिस्पिस्ट दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट। हालांकि उस दिन ऐसा कितने सेंचुरी के बाद हुआ था, जो किसी को गाने नहीं आ रहा था, किसी को धुन नहीं आ रहा था इस एंथम पे, कैसे धुन बजाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में बाई हार्ट सबके माइंड में याद हो जाएगा, सबको इसको तरीके से गाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ये जो इनोग्रेशन, जो उद्घाटन हुआ हम लोग प्रेसिडेंट बनने का, उस दिन बिल्कुल भाव विह्वल हो रखा था, सेंस ऑफ हिस्टोरी, जो हिस्ट्री हमारे इतिहास का सेंस है उसके द्वारा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। ठीक है, बता दें कुछ साल पहले जब बहुत ही कड़वी एंग्लो और बोअर के बीच में युद्ध हुआ था, जिस बिफोर माई मेरे जन्म के पहले की बात है। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और क्या हुआ कि जो वाइट पीपल थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लागू किया, उस सिस्टम के थ्रू उन्होंने वाइट डोमिनेशन किया, यानी कि अधिपत्य किया, वाइट लोगों ने अपना अधिपत्य माना किस पे? ब्लैक लोगों के द्वारा। ब्लैक को सेग्रीगेट किया गया, अलग किया गया वाइट के साथ, वाइट के कंपेयर में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज नेवर नोन। एक ऐसा तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया, एक ऐसा तरह का चीज़ क्रिएट किया उन्होंने, जो कि बिल्कुल अमानवीय था, बहुत ही क्रूर था, जो कि पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने जाना इसके बारे में। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट
रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब बताते हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेट, अब इस लास्ट डिकेट में, अंतिम डिकेट में, 20th सेंचुरी का लास्ट दशक में, जो कि मैं मेरा 8th डिकेट रहा, यानी कि उनका 8th डिकेट था एज ए मैन, और वो सिस्टम बता रहे हैं कि जो बनाया लोगों ने, बिल्कुल उसको हमने चेंज किया, उसको उल्टा कर दिया। अब ऐसा सिस्टम रहेगा जिसमें सभी लोग का सही सम्मान मिलेगा, सभी लोग को फ्रीडम मिलेगा, सभी लोग को आज़ादी मिलेगा, चाहे वो रिगार्डलेस, चाहे इरिस्पेक्टिव हो, चाहे कोई भी कलर हो, चाहे कुछ भी हो, सबको, ठीक है, समान अधिकार मिलेगा, सबको प्रिविलेज मिलेगा, रिगार्डलेस, मतलब बिना परवाह किए कि कौन सा कलर का है, कौन सा रेस का है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। ये दिन क्यों आया, ये इसलिए आया उसको इमेजिन नहीं कर सकते, सोचा नहीं जा सकता, कितने हजारों लोगों ने इसके लिए जान गंवाया, कितने लोगों ने अपनी जान दाव पे लगा दी, बाजी पे लगा दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तब जाकर ये चीज़ हमें देखने को मिला है। उनकी जो बलिदान है, हम कभी भी पे नहीं कर सकते, कभी उनको हम चुका नहीं सकते, उनकी बलिदान को। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं तो जब वो चीज़ इलाज हुआ, जब मैं फील किया, महसूस किया, जब मैं भी उसका एक बहुत सारे दिनों में बहुत सारे लोगों का पार्ट बना, जो कि देश से प्यार करने वाले लोग थे, देश को चाहते थे, ठीक है, जो मेरे पहले मेरे सामने जिनको जान गंवाना पड़ा। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। अब वो बातें गई, वो सब बातें हमने एंड कर दी, अब नया दुनिया, नई तरीके से हमने चीज़ें स्टार्ट करना स्टार्ट हुई थी, हमारे साथ नई चीज़ें स्टार्ट हुई। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट दे सेक्रीफाइस हैड ओर्थ। मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि जो लोगों ने जान गंवाई जिस चीज़ के लिए, जो आज हमें मिला यहाँ पे, आज हमने इसको अचीव किया, हमें बहुत दुख है कि हम उनको वो चीज़ ये बात नहीं देख पाए कि उनकी सेक्रीफाइस ने, उनकी बलिदान ने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि लाकर दिखाई लाई। द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो पॉलिसी था अपार्टेड का, जिसके द्वारा ब्लैक और गोरों को अलग किया जाता, सिस्टम था हम लोग के लिए, बहुत ही एक घाव की तरह हमारे साथ रहा, एक पीड़ा की तरह हमारे हम लोगों के साथ रहा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ये हम लोगों के साथ बहुत साल तक रहेगा, यदि इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर। हम लोग बहुत साल अब बिताएंगे इस यादों के साथ, ठीक है, जो कि बहुत प्रोफाउंड, मतलब बहुत डीप हम लोग के घाव है, एक डीप गहरा जख्म है, इसके साथ काफ़ी साल लगेंगे, काफ़ी साल बिताएंगे। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड डिफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोज द वेल्टर सिसुलस द चीप लुथिलिस सॉरी या लुथलिस द यूसुफ डायडोज द ब्रांस फिशर्स द रोबर्ट सुबुकवेस ऑफ आर टाइम मीन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विस्टम एंड जेनरॉसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ये जो सिचुएशन आया, ये जो चीज़ें आई, ये जो उत्पीड़न दिया गया, घाव दिया गया, परेशान किया गया सिस्टम के द्वारा, इन्हीं परेशानियों से, इन्हीं के चलते ऐसे ऐसे महान लोग को, लोग का जन्म हुआ, जिन्होंने बहुत सारे तरह से फाइट किया इसके लिए, अपनी जानें दी, बलिदान दी। कौन कौन से लोग हैं इसमें नाम लिखा हुआ है, 6 लोगों का। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सोयल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द
प्योरेस्ट डायमंड। बताया जाता है कि जो लो के जन्म हुई, जो 6 लोग की बात बताएं, ठीक है, ये क्यों हुआ? ये हाई ऑफ ऑपरेशन के कारण, हाई उत्पीड़न के कारण ये लोग पनपे, इन लोग का जन्म हुआ, ये लोगों ने एक्शन लिया। और ये बताते हैं कि मुझे पता है कि हमारे देश में बहुत सारे खनिज हैं, ठीक है, बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए काम आएंगे, हमारे देश के लिए वो हैं। मतलब एक कहो कि हमारे देश में बहुत सारे धन संपदा है, दबे हुए हैं, लेकिन वो उतना ग्रेटेस्ट नहीं है जितना कि हमारे लोग हैं। हमारे लोग उससे भी ज़्यादा फाइन है, उससे भी ज़्यादा ट्रू हैं, एक डायमंड की तरफ। अपने लोग को ये बता रहे हैं, अपने लोग विशेषता बता रहे हैं कि हमारे देश में बहुत धन है, संपत्ति है, खनिज है, ठीक है, ये सारे कुछ से भरा हुआ है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, उससे ज़्यादा ट्रू हैं, सत्य हैं और डायमंड जैसा है। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्होंने बोला कि हम उस सहयोगी से, उस सहपाठी से, उस मित्र से स्ट्रगल के बारे में सुना और सीखा, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ करेज उस सहपाठी से सुना, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी एक आइडिया के लिए दिया, एक आस्था के लिए दिया और एक विश्वास के साथ दिया, अपने देशों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान करी। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप एंड अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिलाइसेंस, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड रिलाइसेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन।